डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य और मैंडेटरी है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है। इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ऑप्शन लेवल एंड डाटा एनालिसिस 22 जून 2023 के लिए। और कल निफ्टी बैंक निफ्टी का हीरो या जीरो का दिन है, एक्सपायरी है कल, जीरो या हीरो। आज दिन अच्छा रहा, दो तीन दिन से अपना दिन अच्छा नहीं जा रहा है। उसकी वजह है कि चोपी ट्रेडिंग है और 10 से 15 पॉइंट ये लोग खाने देते हैं, बस उसमें सौदा हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर स्टॉप लॉस दोनों साइड का हिट करते हैं, पुट का भी और कॉल का भी। तो अपने कल जो भी ट्रेड लेना हो, डाटा थोड़ा बुलिश है तो हो सकता है कल सुबह फर्स्ट हाफ तो तेज़ी रहेगी, और जो हीरो जीरो है वो दोपहर 1-1.5-2 बजे के बाद अपने बाइंग करेंगे। और या तो अपना लेवल के पास सुबह मिल जावे एकदम लो लेवल के पास तो वहाँ पर अपने बाइंग करके बैठ जाएंगे जीरो हीरो के लिए, नहीं तर 2-2.5 बजे जब भी अपने को अपना प्राइस के पास आवे तभी लेना है, बाकी कोई काम नहीं करना है कल। क्योंकि लोग कमाने नहीं दे रहे जानबूझ के, चोपी ट्रेडिंग करके 5-10 पॉइंट ऊपर या 5-10 पॉइंट नीचे, बस दोनों साइड का स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं। चलिए अपने फटाफट स्टार्ट करते हैं। इफ यू बेनिफिट थ्रू लर्निंग फ्रॉम आवर कंटेंट स्टॉक मार्केट कमोडिटी फॉरेक्स एंड ऑप्शन लेवल, प्लीज प्रेस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एचएम स्टॉक्स वेयर और एचएम कमोडिटी। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस ओनली। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप किया है, FII ने आज इंडेक्स में 2390 करोड़ का बाई किए और 2178 करोड़ का सेल किए। नेट बेसिस पे 212 करोड़ का बाई किए, LS रेशियो 1.11। FII ने FNO स्टॉक्स में 818 करोड़ का सेल किए, कैश में 4013 करोड़ का बाई किए और 550 करोड़ का DII ने कैश में बाई किए। ये डाटा शीट है 21 जून की, और 22 जून को कैसा रहेगा अपने उसकी एनालिसिस करेंगे। मोटा मोटी डाटा में आप देखा जाए तो कोई खास पोजीशन नहीं है, सिर्फ प्रो ने सोल्ड किए पुट 1,24,613 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पे 2,46,076 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट कर रहे थे, यानी तेजी खेले है। तो कल सुबह लग रहा है कि फर्स्ट हाफ तो निफ्टी का नया हाई, लाइफ टाइम हाई बनना चाहिए, और कोई खास डाटा ऐसा नहीं है। तो अपने जो कंडीशन यही है अपना कि भाई अपने को मंदी खेलना है तो 2-2.5 बजे के बाद, और तेजी खेलना है तो उसका भी मैंने लेवल दिए है स्टॉप लॉस डाल के, प्रॉपर स्टॉप लॉस डाल के आप तेजी खेल सकते हो। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखे हो तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें, और वीडियो से आपको कोई बेनिफिट हो रहा लर्निंग पर्पस में तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दिए गए लिंक पर आप जॉइन यूट्यूब में जॉइन हो सकते हो, फेसबुक पेज में आप लॉगिन कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हो। इंट्राडे थर्सडे 22 जून 2023 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट बिलो 8200 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 8136-8090, ऊपर में रेजिस्टेंस 8240-8290। इंट्राडे थर्सडे 22 जून 2023 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 19690 के नीचे सेल जोन रहेगा, और सपोर्ट 19610, 19560, 19500, रेजिशन ऊपर में 19740। मूविंग एवरेज मैंने सारे दिए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके, और PCR भी इनका बढ़ के आया हुआ है तो थोड़ा ओवरबोट में है बाजार। तो कल फर्स्ट हाफ तो तेजी रहना चाहिए, उसके बाद ही मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट टेकिंग आना चाहिए। इंट्राडे थर्सडे 22 जून 2023 के लिए फिन निफ्टी 19600 का पुट वीकली वाला, जहां घटे वहां 64 के पास लीजिए, या तो वेट कीजिए जितना भी नीचे मिले, 32 का स्टॉप लॉस लगाइए, और सपोर्ट मैंने 45.5 और 32 दोनों दिए हैं, तो जहां मिले जितना भी नीचे मिले वहां लेना चाहिए। रेजिस्टेंस ऊपर में 107 तक जा सकता है। इंट्राडे थर्सडे 22 जून 2023 के लिए निफ्टी स्पॉट लेवल, जहां पड़े वहां 18920 के पास बेचना चाहिए, सपोर्ट 18845, 18810, 18765,
रईसन ऊपर में 18950 क्लोजिंग बेस रखिए, इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो फ्यूचर काट के जाइए। और मूविंग एवरेज मैंने सारे दिए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। पीसीआर 1 पॉइंट मनी कंट्रोल का 1.8 आया है, पीसीआर बढ़ के आया है तो कल प्रॉफिट टेकिंग ऊपर का लेवल से आना चाहिए। इंट्राडे थर्सडे 22 जून 2023 के लिए निफ्टी 18900 का कुल वीकली वाला, अबव 25.65 रुपये के ऊपर बाई कीजिए। 23.75 का क्लोजिंग दिया है, सपोर्ट 11.5 का रखिए और रेजिस्टेंस 36 और 48 तक जा सकता है। इंट्राडे थर्सडे 22 जून 2023 के लिए निफ्टी 18850 का पुट वीकली वाला, जहां घटे वहां 7.65 रुपया, उसके बाद सपोर्ट 360 और 180 आ रहा है तो वहां पर भी आप ले सकते हो। जीरो हीरो के लिए दो लेवल मैंने दिए हैं तो दोनों लेवल आप नोट कर सकते हो और उसका रेजिस्टेंस ऊपर में 48 और 79 तक जा सकता है। और निफ्टी 18900 का पुट वीकली वाला, जहां घटे हुआ 21.65 के पास ले सकते हो या वेट कीजिए 15, 10 और 5, ये तीन फिगर आ रहे हैं तो जहां भी मिले वहां पर भी आप ले सकते हो। जीरो हीरो के लिए रेजिस्टेंस 79, 116 और 131 131 तक कल जा सकता है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि 2-2.5 बजे के पहले सौदा नहीं करना चाहिए मंदी का। फिर जैसा लेवल में मिले, यदि आपको 10 रुपये में मिल जाए तो ले लेना चाहिए। थर्सडे 22 जून 2023 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट, जहां बढ़े हुआ 43950 के नीचे सेल जोन रहेगा, सपोर्ट 43835, 43725, 725 टूटे तो 43585, रेजिस्टर ऊपर में 43971 और 44083, 44083 के ऊपर 15 मिनट रहे तो 42000 तक जा सकता है, 41180 तक जा सकता है। मूविंग एवरेज मैंने सारे दिए हुए हैं ताकि आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। पीसीआर इसका भी बढ़ के आया है 0.96, तो कल ऊपर के लेवल से 2-2.5 बजे के बाद प्रॉफिट टेकिंग आना चाहिए। इंट्राडे थर्सडे 22 जून 2023 के लिए बैंक निफ्टी 44000 का कॉल वीकली वाला डिप 842, यानी जहां घटे वहां 42 के पास लिया, क्लोजिंग 69 का दिया है और सपोर्ट 32 का, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 10 रुपये का, 32 कट जाए तो निकल जाओ बस, बाद में वो जीरो हो जाएगा। रेजिस्टेंस ऊपर में 86 और 105 तक मैक्स टू मैक्स जा सकता है कल के डेट में। इंट्राडे थर्सडे 22 जून 2023 के लिए बैंक निफ्टी 43800 का पुट वीकली वाला, जहां घटे वहां 21 के पास लीजिए, सपोर्ट 14.65, 9.65 और 4.20 रुपया। अब ये जहां भी 2-2.5 बजे यदि आपको इससे भी नीचे मिल जावे 14 रुपये के पास या 9 रुपया या 4.5 के पास, तो आप जीरो हीरो के लिए ट्राई कर सकते हो। ऊपर में रेजिस्टेंस 79, 95, 117 और 160, यानी 160 तक भी जा सकता है। इसके बाद बैंक निफ्टी 44000 का पुट वीकली वाला, जहां घटे हुआ 81 के पास लीजिए, सपोर्ट 62, 51, 32 है। अब इनकेस 2-2.5 बजे हो सके 32 में मिल जावे तो लेना चाहिए। रेजिस्टेंस 230, 297, 330 और 365 तक कल जा सकता है। अगर आपको कमोडिटी फॉरेक्स स्टॉक्स मार्केट एंड ऑप्शन लेवल से लर्निंग में बेनिफिट हो रही हो और इस कंटेंट से भी आपको कोई बेनिफिट मिलता हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय हिंद।